आज ये मेरे साथ है तो साईं बाबा की उदी संजीवनी बूटी है, हर साईं भक्त को लगानी चाहिए और छींटे घर में मारने चाहिए पानी में डाल के। आज जो ये मेरे साथ है साईं बाबा की आशीर्वाद से ही मेरे साथ है, नहीं तो ये तो ऊपर चले गए थे। मेरा सब कुछ साईं है, साईं के वाला मेरा कोई भी नहीं दुनिया में, मैं साईं के कारण ही आज दुनिया में हूँ। चलो साईं की ओर। ओम साईं राम, जय साईं राम। हमें साईं बाबा से मिलते 15-16 साल हो गए हैं और मैं अपना छोटे छोटे एक्सपीरियंस तो बहुत है, बाबा सपने में आते हैं बता के जाते हैं, पर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे पति, मेरा नाम रत्ना डेटाने, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। और कोविड के दिनों में मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत 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 ख़राब हो गई थी, डर के मारे डॉक्टर के पास भी हम नहीं जा रहे थे कि कोविड निकालेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, मैं अकेली, बच्चे भी नहीं हैं, तो मैं टेंशन कर रही थी अकेली कैसे रहूँगी घर पे, आप हॉस्पिटल चले जाओगे तो किसी डॉक्टर को भी हम नहीं दिखा रहे थे, मतलब काम का इतना प्रेशर था, दुकान ने तो दुकान कराने की तो वो खुली हुई थी कोविड के दिनों में, तो सुबह से रात तक और एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, तो उन काम की वजह से इतना प्रेशर हो गया, मतलब तबीयत बहुत बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई। फिर ऐसे मेडिकल से गोलियां लेके खा रहे थे डर के मारे कोरोना ना निकले, कोरोना ना निकले, और उसके मेडिकल से गोलियां खा रहे थे, रात को उल्टी जैसे लग रहा था, मैंने बोला इनको उल्टी आए तो मुझे उठा देना, पर इन्होंने सोचा कि इनको नींद आ गई तो मुझे उठाया ही नहीं, और सुबह 6 बजे उल्टी करके बाथरूम में चले गए, पता नहीं वहाँ क्या हुआ, बीपी हाई हुआ, लो हुआ, क्या हुआ, मुझे, मैं गहरी नींद में 6 बजे सो रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब 6 बजे मुझे तेज फटाके की आवाज़ आई, तो फटाके की आवाज़ से उठी कि 6 बजे घड़ियाल में देखा 6 बजे फटाके कौन जला रहा है, पर मैं जैसे ही उठी देखा मेरे बगल में सोए नहीं थे, तो मैं भागी बाहर गैलरी में, देखा तो ये गैलरी में बाथरूम के ऊपर पाँव और सर नीचे पीछे की तरफ ऐसे सर ठका, उसकी फटाके की आवाज़ ऐसे आई थी उनके सर से, तो मैंने इनको बोला कि मैंने आपको बोला था कि उठाना आप मुझे, पर आपने मुझे उठाया ही नहीं, क्या हुआ, अकेले आ गए बाथरूम में, बोला उल्टी आ रही थी बहुत तेज में आ गया पर निकल ही नहीं रही उल्टी, तो मैंने नीचे गैलरी में संदली पे बिठाया, पंखा चलाया हवा में, फिर ऐसे देख देख के, घूर घूर के देख के, आंखें फेर के, और गिर गए मेरे घुटनों पे, गिर गए, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी सामने वाली आंटी को, भाभी भाभी जल्दी आओ, नीचे वालों को बुलाओ, ये गिर गए है, गिर गए है, तो नीचे वाले भी आ गए, सामने वाले भी आ गए, सब दरवाजा तोड़ रहे थे, पर मैं अकेली हूँ तो इनको संभाल रही थी, घुटनों के बल मेरे गिरे हुए थे, तो मैं बाहर भी नहीं जा पा रही थी दरवाजा खोलने के लिए, फिर 5-10 मिनट के बाद मैं रो रही थी अब कैसे खोल दरवाजा, फिर इनको जैसे तैसे करके धीरे धीरे इनको होश आ रहा था, तो धीरे धीरे करके कमरे में सुलाया, कमरे में सुला के सबको बाहर दरवाजे खोलने गई, तो मेरी हमारी बहू है बोली चाची इनको उदी खिलाई, चाचा को उदी खिलाई, उदी, मैंने कहा अभी सुलाया है, खिला रही हूँ, जल्दी पलंग से उदी उठाई, पानी में पिलाई, सिर पे लगाया, बोला कुछ हो रहा है, बोला नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अब ठीक है, तो फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, ये इतना तेज आवाज आ गई है जैसे दिमाग की कोई नस बस फट गई होगी, MRI वो करवा के आए, तो डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने बहुत ऐसे मारा, कुछ हो रहा है, बोला मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बोला इतना धक्का तेज खाने के बाद आपको कुछ नहीं हो रहा है, बोला नहीं कुछ ही नहीं हो रहा है, तो बस ऐसे गोलियां दे दी, इंजेक्शन ग्लूकोज लगाया, और मैं रोज बाबा की उदी, वैसे भी हम खाते रहते हैं, छींटे लगाते रहते अपने को, घर को, तो उस दिन से रात दिन मैं इनको उदी लगा रही थी, साईं बाबा का नाम जाप करवा रही थी, सारा दिन बोल रही, ये जाए 15 दिन गए नहीं ड्यूटी पे, मतलब 1 महीने की छुट्टी ली थी, 1 महीने की छुट्टी, 15 दिन में इनको ओम साईं राम बोलते रहो, ओम साईं राम बोलते रहो, बोलते रहे ओम साईं राम, उदी खाते रहे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इनकी तबीयत ठीक होती जा रही थी,
थोड़ी थोड़ी तब खाना पीना सब बंद, बस ग्लूकोज पर ही चल रहे थे, थोड़ा सा खिचड़ी या ऐसे खाना भी लिक्विड, ग्लूकोज सुइयों पे गोलियों पे ही चल रहे थे। 15 दिन के बाद इनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, पर दुकान वाले लेने आए, भैया चलो चलो, नैला भी मैं रही थी इनको, इनकी ऐसी हालत नहीं थी कि स्नान भी कर पाए, सब कुछ मैं ही करवा रही थी, खाना भी हाथ से खिला रही थी, पानी सब, इनको कोई होश ही नहीं होता था, सारा दिन सोए रहते थे गोरी और इंजेक्शन के नशे से, तो सारा दिन सोए रहे सोए रहे सोए रहे। 15 दिन के बाद इनको दुकान वाले आए, भैया चलो चलो, पर धीरे 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 करके इनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। फिर आज साईं बाबा की तरफ से बिल्कुल अच्छे भले हैं, जाते हैं, कोई कोई परेशानी नहीं है, कोई MIR MRI कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर उद्धी का सेवन इनको मैं रोज करवाती रही, नहाने में खाने में पीने में सब में उद्धी 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 देती रही, साईं नाम का जाप करवाती थी सारा दिन। फिर 15 दिन के बाद जैसे उठे तो आज ये मेरे साथ है, तो साईं बाबा की उद्धी संजीवनी बूटी है, हर साईं भक्त को लगानी चाहिए और छींटे घर में मारने चाहिए पानी में डाल के। आज जो ये मेरे साथ है साईं बाबा की आशीर्वाद से ही मेरे साथ है, नहीं तो ये तो ऊपर चले गए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, साईं बाबा ने हमें समझो सब कुछ दे दिया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है मेरे लिए, साईं बाबा हमारे लिए तो भगवान है। और सब मैं यही मैसेज दूंगी सब लोगों को कि शिरडी आके साईं बाबा से आशीर्वाद जरूर ले और उद्धी का सेवन करते रहे, उद्धी तो संजीवनी बूटी है। और हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, मैं 5 रुपए के लिए दिन में सिलाई करती थी, पर आज तो बाबा से जैसे हम बाबा को मानने लगे आज सब कुछ बाबा ने दिया है, घर बना दिया है हमारा, सब कुछ बना दिया है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब हम 5-6 महीने में शिरडी आते, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब भी शिरडी आए, उदी का सेवन करें, उदी मतलब उदी उदी में साईं बाबा का वास है। मेरा भी बहुत मन था 6 महीने से कि मैं शिरडी जाऊं, चलो साईं की और मैं अपना अपने पति का अनुभव बताऊं, और 6 महीने पहले आई थी तो हम भैया से मिल नहीं पाए, इस बार मिल पाए हैं तो अपना अनुभव शेयर कर पा रहे, जब साईं बाबा की इच्छा हुई तब शेयर हो रहा है, पहले 6 महीने नहीं थी इच्छा तो शेयर नहीं हो रहा था, अब शेयर हो गया। आप सब लोगों से विनती है आप चलो साईं की ओर को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और आपके पास भी अनुभव हो तो जरूर जरूर बताना।